नमस्कार श्रोताओं, आज आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी से बातचीत के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, रचनाकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्री ज्ञानेन्द्र पति जी हमारे साथ हैं और आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं ज्ञानेन्द्र पति जी। धन्यवाद अरुण जी। और आप बनारस में हैं, बनारस की तो एक बड़ी दीर्घ साहित्यिक परंपरा रही है और खासतौर से आपकी कई रचनाएं ऐसी हैं जो कि जमीन से जुड़ी हुई और एक पर्यावरण, प्रकृति, इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई हैं और मानवता के जो बुनियादी मूल्य होते हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। ये जो वर्तमान कोरोना COVID-19 को लेकर के पूरी दुनिया के सामने जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसको बतौर एक रचनाकार, एक संवेदनशील कवि के रूप में किस प्रकार से देखा, महसूस किया आपने? देखिए, यह तो स्पष्ट हो गया है कि हम तमाम लोग एक स्थानीय नागरिक होने के साथ साथ एक विश्व नागरिक भी हैं। तत्क्षण यानी एक स्थानीय नागरिक, एक देश के नागरिक और साथ साथ पूरे विश्व के एक नागरिक, क्योंकि मानव जाति की नियति एक ही है। जी जी। विशेषकर आज के समय में, क्योंकि यह भी देखा हमने कि ये कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में जो तेजी से फैला, जी जी, चाहे वो चीन से ही निकलकर आया हो, तो उसमें वायुयानों की बहुत बड़ी भूमिका रही। एक समय था जबकि स्पेनिश फ्लू 1918 के आसपास जब फैला था जी, तो उसमें समुद्री जहाजों की और रेलगाड़ियों की एक भूमिका थी उसके प्रसार में। जी जी। तो उसके पहुंचने में भी समय लगता था उस संक्रमण को। जी। तो आज भूमंडलीकरण के इस जमाने में जी, कोई भी इस तरह की जो वैश्विक आपदा है बहुत जल्दी पूरे विश्व को अपनी लपेट में ले लेती है। हम लोग देख ही रहे हैं, यानी एक जो ग्लोबलाइजेशन जिसको वैश्वीकरण हम कह रहे हैं उसमें विकास के साथ साथ ये चीजें भी होती हैं और दुख एक तरह से, जैसा आपने शुरुआत में कहा, मुझे लगता है कि दुख और तकलीफ लोगों को बहुत जल्दी आपस में बांध लेता है। जी बिल्कुल। इसलिए साझा प्रयास भी हो रहे हैं इससे निपटने के। जी जी। तो जैसा आपने कहा कि साझा प्रयास हो रहे हैं, ये सच है, क्योंकि अभी विश्व के तमाम देश, उनके उन देशों के वैज्ञानिक मेधाएं हैं विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय, विशेषकर महामारी नियंत्रण या इस तरह के एपिडेमियोलॉजी वगैरह के क्षेत्र में सक्रिय, वे वैक्सीन की खोज कर रही हैं, इसके लक्षणों को चीन पहचान रही हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के नित नए लक्षण प्रकट हो रहे हैं या सामने आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, अभूतपूर्व चुनौती है एक हमारे सामने। जी, और ये इसके स्ट्रेन अलग अलग देशों में एक तरह से कुछ म्यूटेट कर रहे हैं, बदल भी रहे हैं। इस कारण भी इसकी वैक्सीन की तलाश समय लेवा प्रमाणित हो रही है। ऐसे भी वैक्सीन की तलाश समय लेवा होती है। ऐसी परिस्थिति में पूरे विश्व को अंततः लॉकडाउन का या कि तालाबंदी जिसे हम लोग हिंदी में कहें जी जी, का आश्रय लेना पड़ा है। और एक तरह से कहिए कि शारीरिक दूरी का पालन करते हुए और यथाशक्य अपने को घर तक सीमित रखते हुए बिल्कुल ही हम बचाव कर सकते हैं, केवल अपना ही नहीं दूसरों का भी बिल्कुल, क्योंकि केवल संक्रमित हो जाने का ही खतरा नहीं है, बल्कि अगर एक व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो फिर वो अनेकानेक लोगों को संक्रमित कर सकता है। जी जी। तो इसके प्रसार को रोकने के लिए यह लॉकडाउन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जी जी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अनेक दौरों में फिर हमें इसका आश्रय लेना पड़े। और यह नहीं कर सकते हैं कि जी तो और ये जो तमाम जो एक चित्र उत्पन्न हुए हैं समाज में तरह तरह के, और अलग अलग देशों में अलग अलग हालात हैं, हमारे देश में जैसे बहुत सारे प्रवासी जिन्हें आमतौर पे कहा जा रहा है, हालांकि हमारे देश के ही श्रमिक हैं जो कि जाकर के दूसरे प्रांतों और शहरों को उनके उन्नति में बहुत ही बड़ा योगदान करते हैं, तो एक अचानक लॉकडाउन हो जाने से बहुत सारे जो परिस्थितियां हैं, जो मैं कह रहा था कि एक सामने के जो चित्र हैं बतौर साहित्यकार के रूप में, वो उद्वेलित भी करते हैं। तो ऐसे में कुछ एक रचना धर्मिता को लेकर के किस तरह से एक लेखक के मानस पे कैसा असर ये डालता है सारा परिदृश्य? हाँ,
हाँ देखिए, एक तो यह है कि ये हमारे यहाँ जैसे कि हिंदी कविता में ही जी प्रगतिवाद के जमाने से ही मजदूर और श्रमिक कविता के एक केंद्र में रहे हैं, हमेशा रहे हैं, और वे ही परिवर्तनकारी शक्ति हैं समाज की, यह एक दृढ़ मूल विश्वास है साहित्यकारों के मन में। और ऐसे में जब ये परिस्थितियां यहाँ भारत में सामने आई विशेषकर, क्योंकि ऐसी परिस्थिति और किसी देश में देखी नहीं गई। हाँ हाँ, हालात अलग अलग हैं। तो यह स्पष्ट हुआ कि जो हमारा जो श्रम मंत्रालय है, वो केंद्र का श्रम मंत्रालय हो या राज्य सरकारों के श्रम मंत्रालय हो, जी उनके लिए यह बहुत जरूरी है कि वे जो असंगठित क्षेत्र के में काम करने वाले जो लोग हैं, जो असंगठित क्षेत्र के विभिन्न मोर्चों पर मजदूरी कर रहे हैं या कि छोटी दुकानें चला रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, रेही लगा रहे हैं, और फुटपाथ पर बहुत तरह के काम ऐसे कर रहे हैं जिससे कि अपनी जीविका भी चला रहे हैं, इस तरह के तमाम लोगों के ब्यौरे एकत्र करने चाहिए। एक ऐसा डाटा बेस बनना चाहिए जो कि तमाम राज्यों में बने, मानी उन राज्यों में भी बने जिन राज्यों से कि ऐसे मजदूर विशेष कर निकल कर आते हैं बड़े औद्योगिक शहरों में या महानगरों में, और उन राज्यों में भी बने जहां पर ये पहुंचे हैं, और इसके अलावा एक केंद्रीय स्तर पर भी बने, एक पूरे सार्वदेशिक स्तर पर, ताकि एक जो संगठित क्षेत्र में तो सामाजिक सुरक्षा मिलती है लेकिन एक बड़ा तबका संगठित क्षेत्र में है और उसका बड़ा योगदान है देश के निर्माण में और इसके चलने में, उसके लिए कोई हम सामाजिक सुरक्षा का ताना बाना अभी तक इतने वर्षों में नहीं बोल पाए हैं। तो आंकड़े तो ये बताते हैं कि संगठित क्षेत्र में केवल करीब 15% मजदूर बिल्कुल मिलेंगे, और करीब 85% ऐसे हैं जो कि असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो सामाजिक सुरक्षा के दायरे से तो एक बड़ी जनसंख्या बाहर रह जाती है श्रमिकों की। तो इसलिए इस तरह का एक डाटा बेस तैयार करने का काम एकदम प्राथमिक काम की तरह से श्रम मंत्रालयों को हाथ में लेना चाहिए और इसे जल्दी से जल्दी संपन्न करना चाहिए। बिल्कुल, यही ये बात साफ होती है इस परिदृश्य में। दूसरी बात यह दिखती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की बहुत जरूरत है देश में, विशेषकर जो हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, क्योंकि यह भी देखने में आया है कि सरकारी अस्पतालों ने एक बहुत बड़ी भूमिका, सकारात्मक भूमिका निभाई है जिसके नियंत्रण में, और आज भी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वे पूरे समर्पण के साथ मोर्चा बांधे हुए हैं। और हमारी अंतिम जो शरण स्थली है भारतीय मनुष्य की, अधिकतर मानी बड़ी जनसंख्या की, वो सरकारी अस्पताल ही है। बिल्कुल, आज भी तो इसकी आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है। ये इसकी ओर भी ध्यान गया है ताकि आम दिनों में भी लोगों का उस पर विश्वास हो, क्योंकि सरकारी जो तमाम तरह के माध्यम है उस पर थोड़ा सा निजी क्षेत्र की ओर झुकाव आम जनमानस का विश्वास के संदर्भ में ज्यादा हुआ करता है। लेकिन इस दौर ने ये प्रूव कर दिया है कि जो जिन्हें हम कोरोना योद्धा कह रहे हैं, यानी जो इस महामारी के उन्मूलन में लोगों की सेवा में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, तो उन्हें और मजबूत और उन व्यवस्थाओं को ताकतवर बनाने की जरूरत है। ये पूरे जो 2-2.5 महीने का वक्त रहा आपका, किस तरह से बीता और लेखन और पठन पाठन का काम किस तरह से कैसे चल रहा है? देखिए, मैं कविता संग्रह अगला अपना तैयार कर रहा था जी, लेकिन उसे स्थगित किया है मैंने अभी, क्योंकि वो प्रकृति परक कविताओं का संकलन है और वो प्रसन्न चित्त कविताओं का संकलन है। खास तरह से एक ऐसी उदासी का माहौल है मानसिक रूप से, सब कुछ रुका थमा थमा सा, जिसमें एक खास तरह की चिंता भीतर उपजती है, और तो पूरे वैश्विक घटनाक्रम पर पूरे देश के विभिन्न राज्यों में जो स्थिति है कोरोना संक्रमण की, और उससे जिस तरह से हम मुकाबला जिस कर रहे हैं, इन इसके प्रतिपल बदलते पूरे घटनाक्रम पर और हमारे उपक्रमों पर मेरी निगाह लगी हुई है लगातार। बिल्कुल, और इसी में काफी समय चला जाता है, इंटरनेट
और यही वो चीजें हैं जो कि एक रचनाकार के लिए ईंधन और ऊर्जा का काम करती हैं, और आने वाले दिनों में इसी एक तरह से कहें कि एक जो खेती के लिए, उर्वरता के लिए खुदाई का काम, हल चलाने का काम होता है, इस तरह के जो परिदृश्य होते हैं, घटनाएं होती हैं, वो यही काम करती हैं कि उनका लाभ आने वाले वक्त में रचनाओं के रूप में दिखता है। आप सही कह रहे हैं। और आपने इंटरनेट का जिक्र किया, सोशल मीडिया में आजकल काफी कुछ एक नई तरह की पौध है, हालांकि ये हर दौर में रहा है कि गंभीर लेखन और तुरंत फुरत वाला जो लिखने वाला होता है दौर, ये हमेशा से रहा है, लेकिन इस सोशल मीडिया ने रचना कर्म को भी बहुत प्रभावित किया और नया तौर और तेवर दिया है। आपकी सक्रियता सोशल मीडिया पे किस हद तक, किस तरह से, और इसकी उपयोगिता कैसी आप महसूस करते हैं? सोशल मीडिया पर मैं सक्रिय विशेष नहीं हूँ। जी जी। और क्योंकि मेरा कोई फेसबुक अकाउंट भी नहीं है, या मेरा अकाउंट नहीं। जी जी। आज भी बहुत तेरे लोगों के नहीं है, और वहाँ पर जैसे हमने तो देखा है कि काफी कुछ ऐसी रचनाएं हैं कि वो दो घंटे बाद रचनाकार खुद भी नहीं जानता कि मैंने क्या कहा था और उस पर लोगों ने क्या कहा था। तो मैं ये मानता हूँ कि रचनाकार में धीरज का होना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और एक रचना को पकने का भी एक अवसर देना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अन्यथा अगर तत्काल आप किसी समाचार का केवल कविता अनुवाद करने लगे, जैसा कि प्राय होता दिखता है आमतौर पर आजकल, तो कोई एक बड़ी कविता नहीं बन सकती। और ऐसा ही प्राय अभी आज हो रहा है। हजारों लिखने वाले, मेरे ख्याल से कहें कि हम लाखों भी कह सकते हैं, हर आदमी कविता बहुत आसान लोगों को लगने लगी है कि ये ऐसी चीज है कि कुछ भी लिख दो और उसे कविता मान लो। हाँ, ये तो एक तरह से ऐसा हो गया है कि जैसे कि एक सिटीजन पत्रकार, जैसे जो कहा जा रहा है आज, जी, नागरिक जी, पत्रकार ने एक तरह से पत्रकारों को भी विस्थापित कर दिया है सोशल मीडिया के दौर में। तो उसी तरह से एक तात्कालिक प्रतिक्रिया वाली कविता ने जी जी एक गहरी और चिंतनशील कविता को विस्थापित कर दिया। और एक खतरा भाषा व्याकरण को भी लेकर के है, लोग चूंकि पढ़े लिख नहीं रहे हैं बहुत से, तो एक व्यक्ति ने प्रेमचंद की किताब दी अपने दोस्त को पढ़ने के लिए और अगली सुबह उन्होंने फोन किया कि ये बड़ा अच्छा लिखा है, इसका नंबर बताओ, हमें इससे बात करना है। यानी, और ये एक बड़े रचनाकार ने अपना ये उदाहरण दिया। हाँ। यानी ऐसा है कि लोग प्रेमचंद को भी नहीं जान रहे हैं, ऐसी भी पीढ़ी आ गई है। हाँ, सही आप कह रहे हैं। और भाषा व्याकरण का ख्याल नहीं है, और तो और ऐसे लोग भी कविता कर रहे हैं, पुस्तकें भी आनी और छापी जानी बहुत ही आसान हो गई। तो ऐसे में यही मैंने कहा कि रचनात्मक धीरज बहुत जरूरी है। जी जी। तो फिलहाल मैं नोट्स ले रहा हूँ लगातार, और अब ये नोट्स जाहिर है कि एक अपना समय लेंगे और एक किसी कविता में या कुछ एक कविताओं में शायद तब्दील हो सकें। जी जी। भविष्य में, लेकिन अभी तत्काल तो मैं किसी समाचार का केवल काव्य अनुवाद करने के पक्ष में नहीं। जी जी। और चूंकि अभी जो सारा परिदृश्य है वो भी अभी एक सेटल होने में उसको भी वक्त लगेगा, तो विचारों को भी एक सेटल होने में, संतुलित होने में और एक आकार ग्रहण करने में वक्त तो लगता है, वही कृतियां कालजयी हुआ करती। लेकिन अब एक बात लेकिन मैं कहूंगा जी, कि इन तमाम परिस्थितियों का, आने वाली आपदाओं का भी, और आप ठीक से सामना करने के लिए यह बहुत अधिक जरूरी है कि देश में नागरिकों के बीच वैज्ञानिक चेतना का विकास हो, वैज्ञानिक चेतना सुदृढ़ हो। क्योंकि देखिए, यह देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, बिहार के बक्सर में, असम के भी एक गांव में अनेक औरतें एक खास तरह के कर्मकांड के साथ कोरोना माई की पूजा। हाँ हाँ हाँ, ये भी हमने देखा। जी जी जी, ये भी हमने देखा। तो आप याद कीजिए कि एक समय था कि शीतला माई का भी आविष्कार हुआ था, जब चेचक की बीमारी आई। जी जी। तो ये एक लोगों का आस्था है। अच्छा, और अच्छा, वो अपने उपाय भी खुद समाज ढूंढ लेता है, अपने विश्वास को जागृत करने के लिए अपना संबल, अपनी जो स्थिति है उसको, उसका निवारण खुद ही खोज लेता है। जी। तो ये समझ में आ सकता है, लेकिन इसको कुछ लोग खास तरह से
बढ़ा रहे हैं, हाँ, भुनाने भी लगेंगे, इसलिए सोच का वैज्ञानिक होना, विज्ञान परख होना बेहद जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ये अब क्योंकि ये देखा मैंने कि जो जो दृश्य है उनमें दिखाई दे रहा है, विशेषकर जैसे कि बक्सर वाला जो दृश्य है जी, उसमें दिखाई दे रहा है कि शारीरिक दूरी के भी नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तमाम औरतें बिल्कुल अगल बगल बैठी हुई सट सट के, जी, जी। चेहरा भी या नाक भी ये इनको बगैर ढके बैठी हुई हैं। अच्छा, और एक जो नया कर्मकांड के साथ जो विकसित हो गया है, नौ लड्डू और इत्यादि इत्यादि, तो वो सब संपन्न कर रही हैं। और जब परेशानी बढ़ेगी तो ये कर्मकांड के तरीके भी और बढ़ते और पेचीदा होते जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि किस तरह से 20 के वर्षों में एक संतोषी माता का उदय हो गया। जी 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 जी, अब हाँ, लेकिन अभी इस कोरोना संक्रमण के इस दौर में, अगर आज 21वीं शताब्दी के इस दूसरे तीसरे दशक के बीच में हम फिर से शीतला माई की तरह अगर एक कोरोना माई का भी आविष्कार कर लेंगे, तो ये माना जाएगा कि वैज्ञानिक चिंतन के मुकाबले में भारत बहुत अभी पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल, जबकि हम चंद्रयान, मंगलयान, तमाम बातें कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन हमारी सोच उस हिसाब से समाज की ऊपर नहीं आ पा रही है। जी जी, तो इस दिशा में काम करने की बहुत जरूरत है। जी जी, और इस दिशा में काम केवल सरकार नहीं कर सकती, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इस दिशा में काम करने की जिम्मेदारी तमाम स्वयंसेवी समूहों की है, तमाम बुद्धिकर्मियों की है, जी जी जी, तमाम छात्रों की है, और तमाम कर लीजिए कि ऐसे लोगों की है जो बौद्धिक रूप से वयस्क हैं, और इसके लिए वाकई कमरों से, हाँ, वातानुकूलित कमरों या फिर सोशल मीडिया के इन जो उपक्रम है उनसे बाहर निकल करके जमीन पर आकर के काम करने की जरूरत है। जी जी, काम करें यार, तो मुझे लगता है कि यह भी एक फौरी जरूरत है भारत की अभी। जी जी, और जिस पर कि इसी काल में हमारी निगाह है जानी चाहिए, और अविलंब जानी चाहिए। जी जी, और कोई रचना या फिर साहित्य के, किस तरह से साहित्य को हम पढ़कर सुनकर के इस दौर में आम जो जनमानस है वो किस तरह से प्रेरणा ग्रहण कर सकता है, कुछ ऐसी कृतियां आपको याद हो या रचनाएं जो जिनको उद्धृत करना आप चाहें? अब आपको मैं याद दिलाऊं जी कि बहुत पहले 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में, जबकि प्लेग की कई लहरें आई थी, 1896 वगैरह से ये प्लेग की लहरें विशेषकर आना शुरू हो चुकी थी भारत में। जी जी, और तब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जो कि सरस्वती के भी संपादक थे, और हिंदी साहित्य के विकास में या कि हिंदी भाषा के विकास में महती भूमिका जिन्होंने निभाई, जी जी, उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था प्लेग राज स्तवन। हाँ, वो देखिए, ये वो व्यंग्य शैली, हाँ, स्तवन उन्होंने कहा इसे, स्तवन कहा था, प्लेग और प्लेग राज कहा था। जी जी, तो उस कविता की एक ये भी खासियत थी कि उसमें अनेक ऐसे अंश थे, एक बहुत बड़ी कविता थी, और उसमें अनेक ऐसे अंश थे जो कि जैसे कि आज हम मैंने मुक्त छंद की कविता कहते हैं, या आज की गद्य कविता भी जैसे कि बहुत से लोग, युवा लोग लिख रहे हैं, जी, उस तरह के अंश भी उस कविता में शामिल है। अच्छा, और एक व्यंग्य प्रधान शैली में वो कविता लिखी गई थी। जी जी, तो कई दफा तो ये होता है कि एक व्यंग्य में आप जैसे कि प्लेग राज स्तवन कहा गया, हाँ हाँ, लेकिन अगर हमारी ग्रामीण महिलाएं कोरोना माई की प्रतिमा खड़ी करके, माने मानसिक रूप से ही सही, हाँ हाँ हाँ, खड़ी करके अगर वो पूजन और उपासना की अन्य विधियों से पेश आती हैं, तो यह वह उससे समान मुआमला यह नहीं है। बिल्कुल, वहां तो जानते बूझते हुए वो स्तवन शब्द का एक विडंबनात्मक इस्तेमाल है, और ये गंभीर आस्था का सवाल है, एक नई तरह की आस्था जागृत हो रही है, बन रही है, आस्था जागृत हो रही है। तो और इस तरह से जाहिर है कि जब एक वैज्ञानिक चिंतन का जब अभाव होगा, तो हम इस तरह की आपदाओं से, इस तरह की महामारी से अपना बचाव भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो उस आस्था के भरोसे बने रहेंगे कि वो आस्था ही हमारी रक्षा कर लेगी, जबकि जरूरत इस बात की है कि हम
तथ्यों को सत्य के स्तर तक जाकर समझने की चेष्टा करें। जी जी, और उस सत्य को गांव गांव जन जन तक पहुंचाने में हर कोई हर वर्ग भूमिका अपनी निभाए। जी, तो ऐसे में तो कम से कम यह है कि साहित्य की एक बहुत बड़ी भूमिका यह है कि मान लीजिए घर की कैदी में जो लोग हैं अभी लॉकडाउन के दिनों में या ऐसे भी जो दूसरे बहुत से कार्य जो हैं अगर मान लीजिए फिलहाल स्थगित ही करने पड़ रहे हैं अनेक लोगों को, बहुत से लोगों को तो जैसे कि वर्क फ्रॉम होम कहा जा रहा है, जो घर से कुछ काम किया जाए ऐसा है, ऐसे समय में साहित्य एक मानसिक शक्ति देता है। साहित्य यह विश्वास देता है कि मानवता ही अंततः जयी होगी, क्योंकि जो मानवता का पूरा जो विकासी इतिहास रहा है वह साहित्य में दर्ज होता है। वो कोई भी विधा हो, वो कविता की विधा हो, कहानी या उपन्यास की विधा हो, नाटक की विधा हो, कोई भी विधा हो, तो साहित्य के पास जाने से मानवता की जो यही यात्रा है वो जारी रहेगी, यह विश्वास घना होगा और इससे एक व्यक्ति मन को भी शक्ति मिलेगी। और ये हम लोगों ने हालांकि देखा है कि आज की परिस्थितियों का प्रतिबिंबन भी साहित्य में हमेशा होता है। अब जैसे कि प्रकृति अगर प्रदूषित हो रही है मान लीजिए मानवीय कृत्यों के ही, तो इसके भी प्रतिबिंब है साहित्य में, लेकिन उसमें हमेशा एक 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 पुकार है, एक ललकार है कि आप कि हम देखें कि प्रकृति किस तरह से संतप्त हो रही है हमारी कृतियों के द्वारा। तो इस तरह से एक हमारे कर्तव्यों को निर्धारित करने में भी साहित्य एक भूमिका अप्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। जी जी, तो बहुत ही उपयोगी, सकारात्मक और सार्थक बातचीत हुई, और आपकी बातचीत ये भी कह रही है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, सकारात्मकता हमेशा अपने भीतर रखनी चाहिए, और साहित्य के जो मूल उद्देश्य हैं जैसा आपने कहा वो भी यही हैं। और आपने आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी से बात की। ज्ञानेन्द्रपति जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार, शुक्रिया। आपका बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।